अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दोस्त मुझसे कह रहे थे कि भाई हमें पैच फिटिंग लगाने का तरीका बताएं कि जो उसका टक होता है वो कैसे देते हैं। तो ये एक सामने एक ये पैच है, ये देखें, इसकी पिन होती है, पिन को दबाने इसका जो कवर होता है वो उतर जाता है। बाकी जो इसके स्क्रू होंगे वो हम खोलेंगे। अब ये देखें, मैं तीन एल्की से लगे होते हैं स्क्रू, ये इसके दो एक तरफ होंगे और एक एक तरफ होता है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, ये देखें। बाकी बगैर पैच फिटिंग के जो लगाते हैं उस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, ये देखें, ये खुल गया हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पल्ला है जो दरवाज़ा है, तो इसको हम नीचे ये देखें रखेंगे पैच को एक तरफ से, और जो इसकी पिन्ने होते हैं वो हम शीशे को बराबर कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे जहाँ तक ये टक बना हुआ है, या आपको नज़र आएगा जहाँ तक गत्ता है उसके पीछे एक टक होता है, और साथ इसके होल का भी हम निशान लगा लेंगे। तो इसका निशान लगाने के बाद ये देखें आपके सामने हम ऑयल लगाएंगे और इसको हम कलम से काट देंगे। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप ये बाहर से कटवाते हैं तो वो अच्छे वाले पैसे ले लेते हैं ये टक देने के ही सिर्फ। तो इसको थोड़ा सा हम टकोल लेंगे, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अब हम किस सनी से या प्लास से इसको नीचे दबाएंगे और ये खुल जाएगा, ये देखें, ये लग हो गया हमारा पीस। जहाँ से कोई बड़ा तो वहाँ से आप इसको थोड़ा साफ कर लें। तो उसके बाद ये देखें, ये वर्मा है हमारे पास, ये तकरीबन 18 मिली का है, ये देखें, ये 18 mm का वर्मा है ग्लास का। ये पहले अपने टेढ़ा रख के ड्रिल को चलाना है ताकि उसकी जगह बन जाए वर्मा चलने की। उसके बाद सीधा करें और पानी लाजमन लगाएं और नीचे कोई चीज़ ज़रूर रखें ताकि जब आपका होल मुकम्मल हो तो ड्रिल जाकर शीशे को ना लगे। ये हमारा ये मुकम्मल हो गया। अब हमने जो पेज खोले थे वैसे ही रखकर हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से, ये देखें। और जो पिन्ने हमने वो शीशे के बराबर करनी है ताकि जब हम पल्ला खोलें तो पीछे हमारे पिन्ने ना टकराएं, और जब पिन्ने टकराती हैं बाज़ हमारा कैप नहीं लगता। और ये नीचे की साइड है, और ख्याल करना है जिस तरफ हमने पैच लगाया है उसी साइड पर आपका पीवट आए। और पीवट कैसे लगाते हैं इस पर मैं बड़ी तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, और मशीन कैसे लगाते हैं इस पर भी मैं तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। तो कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं एंड में दे दूँ या आई बटन में दे दूँ। तो ये फाले हम फंसा रहे हैं बॉटम की साइड पर जो एच लगाया हमने, नीचे भी पैच लग जाता है लेकिन हम एच लगा रहे हैं क्योंकि नीचे फिक्स पटा है साइड में, तो उसमें भी एच ही लगा हुआ है तो एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद हम आरी से ही काट देंगे, और ये देखें हम इसके कलम वगैरह लगा के मुकम्मल कर दिए। और ये देखें अभी हम चला के भी दिखाएंगे आपको, ये देखें जब तरीके से लग जाए। तो दोस्त नए हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।